नमस्कार। सो कल एग्ज़ाम हो गया दो दिन पहले, नीट 2024। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, मोस्टली सेंसस स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पे अपने आंसर्स को निशान लगा के आते हैं, जो उन्होंने एक्चुअली लगाए होते हैं। और फिर कल ही कल में जो भी प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्कोर को देख के आपको एक आइडिया लग गया कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। 5-7 दिन बाद ऑफिशियल आंसर किया जाती है, जो कि एक आध क्वेश्चन के अलावा मैच कर ही रही होती है। और अल्टीमेटली जब एक्चुअल रिजल्ट आता है ना, वो होता है रैंक देखने के लिए। देखिए, अभी हमको ये पता चल जाता है कि मेरे 720 में से 418 आ रहे हैं, बट जनरली हमें ये नहीं पता कि बाकी बच्चों ने क्या करा। एक पैटर्न चलता है कि लास्ट ईयर का या दो साल का देखोगे तो जो आपकी ऑल इंडिया रैंक बन रही होगी, वो मैंने आज तक अभी 10% से ज़्यादा डेविएशन नहीं देखा अपनी लाइफ में। बट फिर भी बच्चों को भाई 10% ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लुकिंग एट दी डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर, तो ऐसा चलता है। और फिर जो नीट के एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, वो भी एक फैक्टर पिक्चर में आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे भी कुछ उन लोगों ने भी पूछा जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके थे, हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस देके, और कुछ नए लोगों की कॉल आई है सुबह से कि सर बच्चे ने जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे उससे थोड़ी परफॉर्मेंस काफ़ी कम है, तो शुड वी ड्रॉप आउट और शुड वी कंटिन्यू विद द काउंसलिंग प्रोसेस एंड ट्राई टू टेक अ सीट। इसका मैं हमेशा ना बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही लॉजिकल आंसर देता हूँ। और मेरा सबसे पहला जवाब यही होता है कि देखिए, और फिर मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक भी बताऊँगा। जनरली नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ड्रॉप से तो एडवांटेज नहीं होता है। जरूर ये कोचिंग सेंटर इस बात को फैलाते हैं, समझिए तो ना, आप ये समझिए जितने भी प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर है उनका काम है आपके बच्चे को पढ़ा के पैसे कमाना। वो कोई देश सेवा के लिए तो बैठे नहीं हुए हैं, ना ही वो आपके बच्चे की सेवा के लिए बैठे हुए हैं, ना एक्चुअली उनके मन में ये है कि आपके बच्चे को सरकारी सीट दिलानी है या कस्तूरबा की सीट दिलानी है। उन्होंने तो आपसे फ़ीस ली है और उनका फ़र्ज है कि वो आपको पढ़ा दे, जो कि मिनिमम कमिटमेंट है, ताकि आप फीस रिफंड मत मांगो। और जब आप ड्रॉप करके दोबारा पढ़ते हो तो आपको आधी फीस का लालच दे के, वो लालच दे के आपको दोबारा फीस ली जाती है। बेसिकली उनका पर्पज़ है आपसे फ़ीस लेना। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। जो भी ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं उनको आप साइड पर रखते हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो छोड़िए। मैं हमेशा कहता हूँ जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्टर था जिसने 12 2024 में किया, वो भी दो टाइप के हो गए, एक जो रेगुलर स्कूल जाता था और फिर भी पढ़ाई करता था, एक जो नॉन अटेंडिंग स्कूल में जाके फुल टाइम कोचिंग ले रहा था, और तीसरा ये भी होता है जो जिसने बिल्कुल कोचिंग करी नहीं, पढ़ाई करी नहीं, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दे रहा था, मज़े में नीट ले लिया और अब अगले साल ढंग से तैयारी करेगा, तो उसको तो ड्रॉप करना ही है। जैसे प्लान के तहत सिर्फ 12th पे फोकस करा, रेगुलर स्कूल गया, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कर लिया और सोचा होता उससे पहले ही कि मैं 12th पास करने के बाद ड्रॉप करूँगा, तो उसको तो करना ही है, उसको साइड पे कर देते हैं। अब जिसने नॉन अटेंडिंग करा था दो साल, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन में तो अभी कुछ कसर बची नहीं होगी। मतलब दो साल 720 दिन आप ऑलरेडी दे चुके हो, अब 350 दिन में और क्या ही तीर मार लोगे, ये ज़रा बता दो, ठीक है ना? क्योंकि बहुत समय था आपके पास सारे कोर्स को 3-4-5 बार करने का। 3-4 बार पार करने के बावजूद भी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इसकी भी दो वजह जिस पे हम आएंगे। अब होता है बच्चा कहता है सर तैयारी मैंने पूरी कर ली थी जितना मेरे बस की थी, पेपर वाले दिन मैं परसों कल घबरा गया। बहुत अच्छी बात है, दिस एक्सप्लेनेशन इज अलाउड। अब इसका बहुत एक साइंटिफिक प्रूफ भी देना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप लोग, और 25 लाख में से कम 15 लाख ने तो रेगुलर कोचिंग ली होगी, किसी ने ऑनलाइन कोचिंग ली होगी, आप सब ने प्रैक्टिस टेस्ट लिए होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं, एक एवरेज प्रैक्टिस टेस्ट पकड़ते हैं। और वाकई होता है, अगर मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे, मैं हमेशा जो बताता हूँ कि आखिरी 15 दिन जब आप प्रैक्टिस टेस्ट लोगे तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और वाकई जो मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं, तकरीबन वो चीज़ सेट होती है। जैसे प्रैक्टिस टेस्ट में भी 370 आ रहे थे, कल भी 354 लगाए हैं, या 372 लगाए हैं, या 380 लगाए हैं, वही आपका लेवल था विद ऑल दी प्रिपरेशन। क्योंकि इससे ज़्यादा आपका माइंड रिटेन ही नहीं कर पाता कॉन्सेप्ट्स को, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर दो साल में नहीं रिटेन कर पाया तो दो साल और लगा के भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिस टेस्ट में हमेशा 500 नंबर आ रहे थे और परसों का दिन बहुत ख़राब हो गया आपके साथ और आपके 500 से गिर के 250 रह गए, क्योंकि आप घबरा गए, आपको बुखार चढ़ गया, आप टेंशन में आ गए, पक्का ड्रॉप लीजिए। अगर लगातार आपके प्रैक्टिस टेस्ट में 500 आ रहे थे, अब 250 आ गए हैं, ये एक सबसे सॉलिड वजह है ड्रॉप करने की। बट इसके अलावा मोस्टली ड्रॉप करने का फ़ायदा नहीं होता,
अनलेस अनटिल बच्चा खुद बोले, पेरेंट्स एडमिट करे कि जी रेगुलर स्कूल जा रहा था, पढ़ाई करने की कोशिश की पर बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं, पर जो दो साल नॉन अटेंडिंग में पढ़ाई कर चुके, सब कुछ कर चुके, मेरा ये मानना है वो अपना बेस्ट दे चुके हैं। और फिर भी एक और आइडिया देता हूँ, जो मैंने कहा ट्रिक दूंगा, आज तो अभी यू नो सब कुछ कर कुरा के 8 मई हुई है, 8 मई 2024 और अगला पेपर भी हम मान सकते हैं अगले साल मई में होगा, ऑफिशियल रिजल्ट जून में आएगा, काउंसलिंग जुलाई में स्टार्ट होगी, फाइनली जो सीट्स हैं वो अगस्त सितंबर तक आपको मिलती हैं, पूरा मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने है ना, और अगले साल तो दोबारा आपने पेपर दे ही देना है, तो 12 महीने में से आपके पास 4 महीने का टाइम है। मैं अक्सर बच्चों को चैलेंज करता हूँ कि 4 महीने में ना पढ़ना शुरू करो, और तुम तो पहले से पढ़ते आ रहे हो, और मैं ठीक है मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ो या कुछ पढ़ो, और 3-3.5 महीने बाद ना दोबारा 3-4 जरा प्रैक्टिस टेस्ट ले लो। तो एक तरफ अगर आप चाहोगे तो एक तरफ कोई भी जो आप काउंसलर रखोगे, आपका काउंसलर और आपके पेरेंट्स आपकी काउंसलिंग शुरू कर देंगे जुलाई से, बच्चा पढ़ाई में ध्यान देता रहे, और फिर आपको ना 3 महीने बाद चेक कर लो कि भाई बच्चा पहुँच गया 500 नंबर पर दोबारा, या पहले 250 पे था अब 400 पे आ गया, 3 महीने में 400 पे आ गया तो पक्का 8 महीने में भी 500 पे चला जाएगा। लेकिन अभी आप अगर नीचे ही हो ना तो कुछ अचानक से जादू जलवा तो होने वाला है नहीं कि आप 200 से 500 बन जाओगे, अगले साल 250 से 280 हो जाएंगे, 290 हो जाएंगे, तो उसी लेवल की सीट मिलनी है जो इस साल मिल रही है, तो फिर एक साल ख़राब क्यों करें। ये मेरी सबसे बड़ी सलाह होती है इस मोमेंट पे आके कि एक साल और तैयारी करें या ना करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं, और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें ताकि आप जैसे जो बाकी पेरेंट्स हैं वो भी सुने, कोई आपके पेरेंट्स का ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ड्रॉप करें ना करें, और मैं आपको बहुत साइंटिफिक लॉजिकल जवाब दे दिया, क्योंकि ऐसे काउंसलर आप मेरे क्लाइंट तो हो नहीं कि भैया अगर आप बैकआउट कर जाओगे तो मेरी फीस का नुकसान हो जाएगा, ना मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, सो लाइक अ जेन्युइन करियर काउंसलर, नॉट एज ए MBBS काउंसलर, चाहे वो IIT की तैयारी के लिए बच्चे आते हैं, चाहे वो मेडिकल, ये दो मेन चलते हैं इंडिया में, कि तैयारी बच्चा कर चुका है, या तो आपको क्लियर बताओ कि तैयारी उसने करी नहीं। और देखिए एक होता है कि सर वो नॉन अटेंडिंग में जा रहा था पर उसे ध्यान नहीं दिया, तो भाई अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया तो अगले साल क्यों ध्यान देगा, उसे ध्यान इसलिए तो नहीं देता कि वो ध्यान दे सकता ही नहीं है, उसकी पढ़ने की इतनी कैपेसिटी है जितना वो फिलहाल पढ़ रहा है। तो इन सब के मद्देनज़र रखते हुए आपको फैसला करना होता है, अपने बच्चे को पहचानिए। देखिए 24 लाख ने पेपर दिए है, कम से कम 10 लाख बच्चे होने वाले हैं जिनके नंबर 150 से कम आने वाले हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 25-30 हज़ार बच्चे होंगे जिनके नंबर 600 के ऊपर आएंगे, राइट, 40 हज़ार बच्चे होंगे, फिर 500-600 होगा, कई लाख बच्चे होंगे जिनके नंबर 200-250-300 आएंगे, वो सभी तो बच्चे ही हैं ना, वो भी स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में वो भी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 650 नंबर लाना ज़रूरी नहीं है, तभी सरकार ने नीट क्वालिफाई लाए थे कि भाई क्वालिफाई से भी तुम नीचे हो तो कृपा करके डॉक्टरी की पढ़ाई मत करो, तुम्हारे बस की नहीं है, पर जो भी बच्चा नीट क्वालिफाई कर रहा है वो में डॉक्टर बनने की बेसिक क्षमता है, अब वो जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से अच्छा डॉक्टर बनेगा, तो हर डॉक्टर नरेश तरहन तो होता नहीं है ना, तो कुछ एक एवरेज डॉक्टर भी होंगे, अबव एवरेज, जो अपने छोटे शहर में क्लिनिक चला के या कल को MD करके भी एक सिंपल अच्छी प्रैक्टिस करके एक अच्छा जीवन यापन करेंगे। सो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये जो लॉजिक है ये हर चीज़ पे लागू होता है किसी भी कोर्स में, और स्पेशली मैंने मेडिकल का ध्यान दिया, यही आप इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, यही आप किसी और ऐसे टफ कॉम्पिटिशन में कर सकते हैं। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, और हमारा नंबर आप हमें हायर करना चाहिए ऐसे काउंसलर 9643362320, बाय बाय, टेक केयर।